रहते हैं, बस सकते हैं कि जब जहाँ पे रहते हैं उस हिसाब से उस जगह पे उस माहौल में रह के और ढल के उस हिसाब से काम करते हैं। आज छुट्टी मिला था काम का, तो सोचा कि कुछ अपने जो पूर्वज जो है, जो हमारे देश के ऐसे महावीर महापुरुष जो है, इनको सम्मान दिया जाए, जो क्योंकि देना चाहिए था आज सुबह से ही, लेकिन थोड़ा सा काम के वजह से। हम सुने, जहाँ तक हमको मालूम है आप सुबह से कुल्टी में नहीं थे जी, आप अभी अचानक 9:30 बजे आप कुल्टी उतरे हैं, आप बाहर काम करते हैं ठीक है, और आप अचानक 10 बजे आए हैं यहाँ पर, बच्चे बूढ़े या यंग जो भी है बहुत लोग आए यहाँ पर, अभी आपको कैसा लग रहा है? हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है, और अभी आया इस आने के बाद जो लग रहा है, जो मैंने किया, जो देखा, और जो इनके सम्मान में जो आज जो भी छोटा सा भी प्रोग्राम, जो भी पहल मैंने किया, और हमारे थ्रू बाकी जो भी और भी बहुत सारे जो मेरे कलीग दोस्त और भी यहाँ के छोटे भाई बंधु जो हैं, अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। आप खिलानधोड़ा में जो भगत सिंह पार्क है, कितने साल से मूल्यांकन करते हुए आ रहे हैं? देखिए, मेरा जन्म हुआ यहाँ पे 1981 में, यहीं का पैदाइश मैं हूँ, पैदा हुआ हूँ यहीं पे, तो इनको उस समय से जानता हूँ जब मैं पैदल चलना सीख रहा था, तो इनके मान और सम्मान में मेरा जान और अभिमान सम्मान। तो आप कितने साल से मूल्यांकन करते आ रहे हैं यहाँ पर? देखिए, जब भी कल्चरल प्रोग्राम होता है तब तक इनको याद किया जाता है यहाँ हम लोगों के खिलानधोड़ा में मोड़ पे भगत सिंह पार्क में, तो जब जब होता है तब तब आते हैं, आने के बाद में उनका अभिनंदन स्वागतम। और कितना साल हो गया आपका यहाँ पर प्रोग्राम करते हुए? मोटा मान के चलिए कि 20 साल से तो है ही। आपका नाम? दिनेश शर्मा, खिलानधोड़ा।